राधे राधे दोस्तों, आइए आज हम दो नंबर के कान्हा जी का ये दो कलर से मिक्स पोशाक बनाएंगे। बहुत ही सहज और बहुत ही सरल तरीके से बना हुआ ये पोशाक है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। तो चलिए फिर हम बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम चोली तैयार कर लेंगे। इस डिजाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे चोली बना लेंगे। चोली हम दो नंबर के कान्हा जी का चोली का वीडियो डाले हुए हैं। ये दो नंबर के कान्हा जी का चोली है। और चोली बना लेने के बाद में देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से बनाए हुए हैं। एक चेन से यहाँ एक चेन से दो डबल क्रोशिया बनाए हैं। एक चेन से एक सबसे पहले एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, फिर दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर तुरंत इसके बगल में ही हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम इसे पूरी गोलाई में एक लाइन इसी कलर से बनाकर कंप्लीट किए हैं। अब जो हम फिर दूसरा लाइन पे जाएंगे तो देखिए कलर चेंज कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम कलर चेंज कर लिए हैं और ये जो एक डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया जो बनाए हुए हैं, तो इसी स्थान में बीचों बीच से हम यहाँ पे डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ा दिए हैं। दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया प्रत्येक में। देखिए इसी को हम पूरी गोलाई में बुनकर कंप्लीट कर लिए हैं। दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया, बस केवल यहाँ पे चेन की संख्या आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। ये इस तरह से, जो कि हम पोशाक में, कई पोशाक में आप लोगों को बतला चुके हैं। फिर इससे अगला लाइन जो हम बनाए हैं इसी कलर को फिर से हम यहाँ पे रिपीट किए हैं और सेम इसी तरह बनाए। देखिए दो डबल क्रोशिया, देखिए दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया। फिर से अगला में हम उसको डालेंगे दो डबल क्रोशिया, एक चेन, दो डबल क्रोशिया। तो ये हम बनाकर दो लाइन यहाँ पे आप बिल्कुल सेम तरीके से दो लाइन है, एक लाइन जो है इस पर एक डबल क्रोशिया है। तो ये हम कंप्लीट कर लिए। अब जो अगला लाइन बनाए हैं देखिए यहाँ पे लास्ट लाइन रहेगा आपको। तो ये लास्ट लाइन जो हम बनाए हैं आठ डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बंद किए लाकर, फिर आठ डबल क्रोशिया यहाँ पे बंद किए। तो चलिए इसे हम आप लोगों को एक बार दिखलाते हैं कैसे यहाँ पे बनाया गया है। अब जैसे यहाँ पे हमारा अभी बना है दो चार एक पाँच, पाँच डबल क्रोशिया बना है, तो आठ डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे बनाना है। ये हो गया छः, सात, और ये हो गया आठ, आठ डबल क्रोशिया हो गया। अब देखिए अब इसे हम फिर यहाँ लाकर जोड़ेंगे, बस एक बार इस तरह से जोड़ लेंगे। जोड़ लेने के बाद फिर से एक चेन ले लेंगे, बल लेंगे और बीचों बीच में हुक को डालेंगे। यहाँ पे बीचों बीच में जो दो डबल क्रोशिया, दो चेन, एक चेन, दो डबल क्रोशिया है, यहीं पे बीचों बीच में डालेंगे और डालकर एक ही स्थान से आठ डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हो गया दो, ये हो गया तीन, ये हो गया चार, पाँच, छः, सात, आठ। आठ डबल क्रोशिया बना लेने के बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे, फिर से एक चेन लेंगे, फिर से बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से इसका हम इसे हम पूरी गोलाई में बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे गला के पास में अगर आप चाहते हैं तो आउटलाइन इस कलर से यहाँ पे आउटलाइन दे सकती हैं। तो चलिए इतना हम इसे कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए जब इसे हम पूरा गोलाई में कंप्लीट कर लिए और यहाँ पे गला के पास में आउटलाइन दे लिए, देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। अभी इस पे हम मोती मात्र रखे हुए हैं। इसे अगर आप चाहें तो सुई धागा की मदद से सिल सकती हैं या पेस्ट भी कर सकती हैं। तो ये बनकर इस तरह से तैयार होगा। अब इस पे एक हम बिल्कुल ही साधारण ढंग से बना हुआ एक टोपी इस पर बनाकर डालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।